दोस्तों, आज फिर आपका जैन कथाओं में स्वागत है। जैन कथाएं हम क्यों देख रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें सोचने की आदत लगना बहुत ज़रूरी है। मीन्स हमें सोचते रहना चाहिए, बहुत सारी अर्थ मतलब निकालने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते रहना पड़ेगा, तब जाकर शायद हम किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर हम अपने आप को ढूंढ पाए। मतलब ढूंढते ढूंढते ही हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ा देना है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जैन कथा। इस कथा की शुरुआत होती है दो भिक्कों के गठ है, मिस टू ग्रुप्स ऑफ द मंक्स, दो भिक्कों के गठ है और दोनों में आपस में बहुत जोर का घमासान हो रहा है। वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। झगड़ा किस बात पर है, तो झगड़ा है कि उनके पास जो एक बिल्ली है, कैट है, ये किसकी है भाई, ये बिल्ली किसकी है, इस पर से झगड़ा है। और इसी झगड़े की आवाज़ को सुनकर उनके गुरु अपने कमरे में से बाहर आते हैं और देखते हैं कि दोनों में बिल्ली किसकी है, इस बात पर बहस हो रही है। तो बिल्ली को हवा में उठाते हैं और कहते हैं कि जो सबसे पहले कोई अच्छी बात बोलेगा उसकी बिल्ली हो जाएगी। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, वो कहते हैं कि बिल्ली को हवा में उठाकर कि जैसे ही कोई दोनों गुट में से कोई भी अच्छी बात बोलेगा, मैं बिल्ली उसके हवाले कर दूंगा, बिल्ली उसकी हो जाएगी। दोनों गुटों में से कोई भी कुछ नहीं कहता है। गुरु जो है वो कमरे में जाते हैं, छुरा लेकर आते हैं और बिल्ली के दो टुकड़े करके दोनों गुटों को दे देते हैं। गुरु का जो सबसे अच्छा शिष्य है, डिसाइपल है, वो रात को जब लौट कर आता है तो गुरु ने सुबह हुई बात का पूरा ब्यौरा बताते हैं, मिस संक्षिप्त में पूरी बात बता देते हैं। उसका नाम है अरहान, और अरहान जैसे इस बात को सुनता है तो चप्पल उठाता है, सर पर रखता है, वहाँ से बाहर निकल पड़ता है, आश्रम को छोड़ देता है। गुरु जैसे ही आरान चला जाता है तो गुरु बोलता है कि अगर आज सुबह आरान होता तो ज़रूर बिल्ली को बचा लेता। ये बहुत ही क्रिटिकल अजीब किस्म की कहानी आपको लग सकती है कि इस कहानी का मतलब क्या हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था, जो मतलब मुझे लगेगा ज़रूरी नहीं कि वही मतलब आपको लगे। हम हर बात को हमारे अनुभव के आधार पर, हमारे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, हमारी समझ के आधार पर, हमारे बायस एटीट्यूड के आधार पर समटाइम्स समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का भी एक अर्थ है कि आरान जैसे आता है, पूरी कहानी सुनता है तो क्यों चप्पल अपने सर पर रखकर निकल जाता है। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे किस बात पर शिष्य बोलकर मैं झगड़ू, इसका अरहान को शुरू से ही पता था कि बिल्ली किसकी है ये जरूरी नहीं, मगर बिल्ली बचनी चाहिए। जिस बिल्ली को आप हासिल करना चाहते हो वो बिल्ली किसके पास रहे, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो जिंदा रहे। ये जो बेसिक फलसफा है, ये जो बेसिक मूल्य है, ये जो चिरंतन मूल्य है किसी की भी जीवन की मूल्य को समझना, इस मूल्य को आरान ने समझा है। तो आरान शायद फौरन कोई बात बोल देता कि बिल्ली को मत मारो, ठीक है मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, हमने हमारा झगड़ा खत्म कर दिया है, कोई भी एक बात आरान कह सकता था। ये गुरु को तब फौरन पता चल गया कि जैसे ही आरान ने चप्पल उठाकर अपने सर पर रखी और वहां से निकल गया, पूरी कहानी सुनने के बाद कि बिल्ली के कैसे दो टुकड़े करके दो गुटों में बांट दिया गया है। दोस्तों, जो भी ज्ञान हम हासिल करते हैं, इस ज्ञान की एक परिभाषा होती है कि हमें किन बातों में रहना चाहिए। अगर इस जगह पर ये सारी बातें हो रही है तो मुझे इस जगह नहीं रहना चाहिए, ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है इस कथा का।
इस कथा को हम चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में और जापानीज कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे देशों की कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो जैन तत्व ज्ञान आया है, इसे बुद्ध से निकलते हुए यह बोधि धर्म तक आया है, और चाइना में ये बड़ा हुआ, पनपा, जापान में आया। तो जब हम देखते हैं कि बुद्ध का बेसिक तत्व ज्ञान तो अहिंसा का है, और यहाँ पर तो हिंसा की कहानी कही जा रही कि छुरा लाया गया है, दो टुकड़े किए गए हैं बिल्ली के और दोनों गुटों में बांट दिए गए हैं। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलता है, कल्चर बदल जाता है और जो मूल्य है उनकी परिभाषा भी बदल जाती है। तो इस बात को ही सिर्फ आप थोड़ा ध्यान में रखें कि इवन दो देर इज अ काइंड ऑफ वॉयलेंस इन द फॉर्म ऑफ कटिंग ऑफ द कैट इन द टू पार्ट्स, इसको सिर्फ एक कहानी के तौर पर लें और समझें कि ये कहानी भारत छोड़कर किसी और जगह पर हो रही है। तो इसके बहुत सारे मानी हो सकते हैं कि बिल्ली किसकी है। इसका एक बहुत ही खास मानी जो मुझे हमेशा लगा है, मीन्स एज अ टीचर भी मैं इस बात को कहता हूँ कि जब आपसे कहा जाता है कि कुछ कहो, कुछ बोलो, उसी वक्त ज्ञान का प्रकटीकरण होना, जिस ज्ञान को आपने हासिल किया है उस ज्ञान का प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं भी क्लास में देखता हूँ कि जब हम बच्चों से सवाल पूछते हैं कि से समथिंग, तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं और चुप बैठ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ऐसी जो अवस्था होती है, ज्ञान को हासिल करने के बाद भी अगर आप कोई अच्छी बात नहीं बोल पाते हो तो ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान सही नहीं तरीके से आप बता पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबल आंसर्स की बातें हैं जो आप दुनिया को बता सकते हो, खुद को बता सकते हो। इन्हीं कहानियों के जरिए सोच सोच कर आप किसी एक अच्छे तत्व पर आ सकते हो। जैन कथाओं का सार ही ये है कि आपको होशियार बनना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, आपके अंदर तर्क की भाषा होनी चाहिए, आपको चिरंतन मूल्यों की परिभाषा समझनी चाहिए। इन्हीं बातों को आधार लेकर जैन कथाएं बनी है। तो कल हम फिर से एक नई जैन कथा देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत होगी। अगर आपको यह जैन कथा अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।